तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी में, अगर आप कोई किताब खोलेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। क्या होता है ईएमएफ? ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल जब उसमें से कोई करंट बाहर नहीं निकलेगा। तो ईएमएफ क्लियर है। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन भी कर लिया, ये टॉपिक भी हो गया। मोबिलिटी हमने कर ली, ओम्स लॉ हमने कर लिया, ओम लॉ का प्रूफ भी हमने कर लिया, ओम लॉ के प्रूफ के बाद करंट डेंसिटी हमने कर ली। नेक्स्ट है ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने कर लिया। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, जे इज सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो इस चैप्टर में एक कंफ्यूजन रहती है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की ई फॉर ईएमएफ। तो ये टॉपिक भी डिपेंड करता है, जैसे ओम लॉ के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई डायग्राम बना होगा बैटरी का तो उसमें ईएमएफ है, राइट? तो ये हमने प्रूव किया था। तो इस टॉपिक में अपने बुक में इसे क्रॉस कर लो प्लीज, इसको लिख लो प्लीज, रेफर रेफर हैंड रिटन शीट्स फॉर प्रूफ। तो प्रूफ यहां से नहीं करना, प्रूफ वहां से करना है, वो बेटर और आसान प्रूफ करवाया हुआ है। ये थोड़ा मुश्किल प्रूफ ऐसे मत करना, उससे करना, क्रॉस कर देना प्लीज। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कंडक्टिविटी क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, आज हमने ये भी डिस्कस कर लिया, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।